लाइफ शांतना। ऐगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर वृंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शिथि कंठ कुटुब्बिनी भूरि कुटुब्बिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते सुरवर वर्षिणी धुरधर दर्शिनी दुर्मुख वर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी कल्मश मोषिणी घोषरते धनुज निरोषिणी दित सुत रोषिणी दुर्मद श्रोत सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते रम्य कपर्दिनी शैल सुते रम्य कपर्दिनी शैल सुते। थैंक यू शांतना, थैंक यू मधु मुकेश जी, और व्हाट ए ऑस्पिशियस एंड एनर्जेटिक स्टार्ट टू दिस ब्यूटीफुल इवनिंग। सभी आप सभी को और एवरी व्यूअर्स को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और कितना सुंदर माता रानी का हम लोगों ने आगमन किया है आज वेरांडा में। सो लेट अस टेक दिस इवनिंग अहेड। वेलकम एवरीवन टू म्यूजिक वेरांडा, ये वर्चुअल वेरांडा बातों का, गानों का, इनोवेशन का और उम्मीदों का। Good evening. This is Anila Rampuria from Delhi. I'm a mentor to entrepreneurs and initiatives, and I believe in the power of universe and Almighty. समय ने कैसा समय दिखाया, धुंध और निराशा का भय सब और फैलाया, पर कहीं एक उम्मीद की किरण इस धुंध में आई, एक सच की लहर साहिल से टकराई, और वो लहर थी अपने आप को समझने की और अपनी क्रिएटिविटी को परखने की। Because creativity is closest to Almighty. He is the boss, he is the creator. Today we will deep dive into creativity, unraveling creativity by Jaya Mehta. So Jaya Mehta, a beautiful addition to Veranda, an Odissi dancer, a dance educator and a curator. जिनकी आंखों में बहुत सारी चमक है, जिनके हाथ में मूवमेंट्स है, और जो सोल सोल से कनेक्टेड बहुत बातें बहुत अच्छे से समझती हैं और करती हैं और लोगों को इंस्पायर करती हैं। I would just like to give a brief context about this series that we have started, Unraveling Creativity by Jaya Mehta. मेरे ख्याल से 3 महीने पहले हम लोगों ने जया जी का एक टॉक शो किया था, एंड सो मेनी पीपल गॉट इंस्पायर्ड। इन फैक्ट शिवानी शी रोट सम पोएम्स आफ्टर दैट, राखी शी स्टार्टेड गार्डनिंग, एंड शांतना उसने अपने किचन में बहुत इनोवेशन स्टार्ट किए। सो छोटी छोटी अनु ने अपना एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर स्टार्ट किया। सो छोटी छोटी ऐसी चीजें हमको देखने को मिली, एंड वी आई टोल्ड जया जी अबाउट इट, एंड शी सेड यस अनिला दिस इज सच ब्यूटीफुल थिंग दैट आई एम एबल टू इंस्पायर पीपल, सो लेट मी टेक इट अहेड। और आज का जो ये सेशन है, इट इज गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल सेशन, बिकॉज अगेन इट वॉज एन इंस्पिरेशन फ्रॉम अनदर ऑफ आवर सेशन। हमारा एक सेशन हुआ था जिसमें सुधींद्र कुलकर्णी जी आए थे, और वो गांधी जयंती के उपलक्ष्य में हमने किया था। उन्होंने बहुत सुंदर बात बोली थी एजुकेशन के लिए, कि एजुकेशन है पहले हार्ट, देन हैंड, एंड देन इंटेलेक्ट। सो वी आई एंड जया जी वर डिस्कसिंग इट, एंड शी सेड यस अनिला, हैंड इज सच एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट विच इज एक्चुअली इग्नोर्ड, विच इज नॉट सो कंसिडर्ड, यू नो। तो हम सबको मिलके इस चीज को आगे बढ़ाना है। सो वेरी थैंकफुल टू जया जी, एंड बिफोर आई गिव दिस
this session to Jaya ji, who has beautifully curated this. I would like to introduce Mahashweta, Dr. Mahashweta. She is, Dr. Mahashweta, let me tell you, she is one of the most beautiful, artists, vocalists, and so content rich. इतना म्यूजिक का कंटेंट है महाश्वेता के पास कि मैं आज तक इतना किसी से नहीं मिली हूँ, इतना सुंदर कंटेंट इनके पास है. शी सेज ब्यूटिफुली एंड द बेस्ट पार्ट इज शी कनेक्ट्स म्यूजिक टू नेचर टू यूनिवर्स टू एनर्जीज. सच अ ब्यूटिफुल थिंग टू डू. शी इज अ डॉक्टरेट इन क्लासिकल म्यूजिक बट शी इज मच मोर देन दैट. शी इज इमेंस. शी लव्स किड्स एंड शी इज डूइंग दिस beautiful and humble task of taking music to many. और उनका जो एक गाना है आज, जो बहुत ही सुंदर गाना है, क्या I really don't know what to say, लेकिन वो इतना सुंदर है जो कि actually creativity और curation से connected है. Over to you, Dr. Mahashweta, and then Jaya ji, please take the show ahead, welcoming our guests Swati ji and Meena ji to the show. Thank you so much. Hi, a very good evening and happy Navratri to all of you. Jaya, you are a friend of mine, so I don't have to welcome you all over again. But Neena ji and Swati Chattopadhyay, Swati happens to be your younger sister, and since I'm of Jaya's contemporary, you are a younger sister to me as well. Neena ji, I have seen your work and I think you are very, very artistic, and it's like, you know, my Guruji used to say that gana tab tak gana nahi hota hai jab tak, you know, uska sirf sweetness se kaam nahi hota hai. Gaane mein thoda namak hona chahiye. I can say the same thing about your creation. With your age and experience, you have been able to add on that salt factor in your, you know, extremely sweet creations. And goes with Swati. You are such a young girl. I'd like to call you a girl, but with so much of insight and maturity that reflects in each and every piece that you create. And I have my heart on all of your pieces. I would like to, you know, buy each one of them. Anyways, since we are talking about hand, I have chosen this beautiful composition by Shantanu Moitra. It's a Shubha Mudgal number. And it has been written by Prasoon Joshi. And even the video was so beautiful. It was being created by Pradeep Sarkar. And the song goes like this. It speaks about hand, how women, they use their hand, and how each and every hand's function and work is distinctively different from, I mean, each other. They say, na, haath ka, see, आपके पास कोई किसी चीज की रेसिपी आ जाती है, उससे तो नहीं होता है, आपके हाथों में वो जादू होना चाहिए. इट्स द मैजिक विच इज देयर इन योर हैंड. सो इट गोज लाइक दिस. Thank you so much.
Thank you, Ma Shweta. That was so serene, so beautiful. And over to Jaya ji to take this ahead, this journey ahead. And we are really looking forward to it. Thank you, Jaya ji. Thank you. Namaskar. And a very, very warm welcome to all the viewers of the Music Veranda. And thank you so much for welcoming me back here and for just having such beautiful feedback and so many beautiful ideas about creativity that you all sort of shower back, the energy that you shower back at us. And I'm so happy to come back here with the second episode of Unraveling Creativity. I just vividly remember it was just the other day when we had the first episode and we got to meet the writer Pooja Pandey and the filmmaker Shabani Hasanwalia. And we had to really, we had to hear amazing stories about how they do their storytelling. I mean, writer kaise story likhta hai, filmmaker kaise story create karti hai. And they gave us such beautiful ideas actually that by our writing, by reading, by journaling, by working as an apprentice, we really build our creative practice. And then we bring it all together to tell our stories. Aapki story, meri story, hum sab ki story, jo alag alag dhang se batai ja sakti. And today we continue with that talk about creativity with another amazing, fascinating medium. What is that medium? And I would say that medium is not any one art form. That medium is the power of our hands. Jaisa aapne poster mein dekha tha, the power of our hands. And as a classical dancer, more than anything else, I really believe that my hands are my gateway to the world. Ye haath nahi hai, ye khidki hai. Is khidki se mujhe puri duniya dikhti hai. So, maine dance mein sikha, I learned that मैं अपने ही हाथों से तेज धूप महसूस कर सकती हूँ, बहती हुई नदी महसूस कर सकती हूँ. Suddenly, my hands become the clouds, they become the rain, they become the flowing breeze. So my hands can actually take me to any experience that I want to be in. And that's the beautiful part of being a dancer, that you experience through your body and your hands through our mudras are so powerful. They have so much to speak. They have so much to share. They have so much to express. I can go into any world just with my hands. And this is what I want to share today with two amazing artists who also have such a powerful relationship with their hands. In fact, so much so that it brings to my mind this poem by Sarojini Naidu. I must recite a few lines of it. It's called The Weavers. She says, weavers weaving at the break of day. Why do you weave a garment so gay? Blue as the wing of a kingfisher wild. We weave the robes of a newborn child. Weavers weaving at the fall of night. Why do you weave a garment so bright? Like the plumes of a peacock, purple and green. We weave the marriage veils of a queen. These are just some of the lines that, you know, from the poem. And it thought to my mind, it came to my mind that, you know, actually the weaver weaves in the morning, weaves in the evening, weaves in the day, weaves at night. Very patiently, the weaver keeps on weaving. And the weaver paints all kinds of colors. Weaves the color of the kingfisher bird, weaves, you know, the color of a queen's majestic dress, weaves the colors into a newborn baby's life, weaves the colors into a woman who's going to be married. So it comes to my mind that actually the weavers and the craftsmen are connected to the closest parts of us. Their work connects to our lives. They bring color into our lives. And two such powerful, not craftsmen, but craftswomen, Mr. Makers, that I would like to call them, have come here to grace the show, which is Swati Chattopadhyay and Neena Mohan. Both of them absolutely outstanding artists who work with their hands. And such is their incredible power with their creations that it just leaves me completely amazed. And I'm sure you will too, as you see more and more of their work over the course of the program.
First, I would like to welcome Swati Chattopadhyay. Swati, a very warm welcome to you to be here. Thank you so much. Thank you so much, Jaya. I'm so happy to be here. How lovely. I must confess and tell you, Swati is a multifaceted personality. She has been a writer, columnist, feature writer for the First City magazine. She's an excellent Odissi dancer who has performed in India and abroad at the Nehru Center in London. And today she's also here to share her most outstanding creative journey with Quillkari. Quillkari is a whole range of quilled creations, stationery, everything that she's created with her own hands. And it's also an art that she has actually picked up on her own. So that's what's really amazing, that she didn't join a school. She wasn't taught this by anyone. She picked it up and gradually built it from the scratch, one by one. Swati's work is so incredible that, you know, her earrings, in fact, one of them I'm wearing today. This one is called Dil Cheez Kya Hai. So this is how incredibly detailed her works are, you know, whether she's making Neelambari or Dil Cheez Kya Hai. Each one of them has a name, has a story, has a philosophy behind it. Whether she's making exquisite diaries and stationery, each of them has very beautiful positive affirmations on top. They have a series, they have an idea behind it. There is so much depth and idea behind her work. And most of all, I think Swati's work is quintessentially Indian. It's exploding with color. It's a burst of joy in our lives. Such a beautiful glimpse in today's very, very harsh world. We need this color and this brightness. We need the thought and the depth behind everything. So I've seen her work and it has actually touched the lives of so many people and really brightened their life and their days. And Swati, I want to ask you, I'm so curious. In today's world, when everybody is glued to a device, sab log ek device ke saamne hai. Hands are busy working only on the device, this device or this device. So how do you actually find this kind of amazing creativity to make these huge range of creations? How do you not stick to a device? How do you go beyond it? How do you find such a immense passionate work? First, I'd like to thank you, Jaya, for that lovely introduction. And actually for me, to be very honest, you know, Quillkari is like, it's like a balm for the soul, you know, for troubled souls. It's like healing for me. So for me, it's not even like a part of my achievement. It's just a practice I do to, you know, just to feel, just to be myself, to feel calm and to feel good. And to come to your question about devices. So, you know, I mean, especially since this pandemic and we are locked inside our homes and everything. So, you know, even I have been like actually like using my hands to, you know, scroll my phone a lot and always on social media and things like that. But, you know, what I felt after a point was that, you know, I was just scrolling and I was just like, you know, looking at so much of content, other people's stories, you know, news, which is not great. There's information, there's like this barrage of information that's coming to me, right? Like, it's like, information, it's just like, you know, one after the other, there's just so much of content I'm consuming the whole day by being on these devices. And after a point, I just felt very helpless and I felt like mere haath mein kuch bhi nahi hai, you know, like I'm not in control at all. And I felt like, you know, like I couldn't undo anything. And when that thought came to my mind that mere haath mein kuch nahi hai, then I told myself, of course not, you know, my hands, of course I will work with my hands. And, you know, that's what I do to just sort of feel more like I'm not just a consumer of information. I'm not just a consumer of products. I'm not just like, you know, someone who is going to just take, receive, but I'm also a maker, you know. I will make, I will bring out that kind of positive energy. I will express myself. And in some ways, you know, doing this has sort of helped me feel better about things, feel better about the world and feel better about, you know, my place in the world and what I can do.
So for me, I feel like it's not just me, but everybody needs to have that kind of energy, that kind of maker energy, which you only get when you work with your hands. So, and I don't mean only quilling or paper crafting. मतलब मुझे cooking से भी उतना ही शौक, मतलब उतना ही खुशी मिलती है, you know, chopping the vegetables. Even that for me is a maker activity. So I think for me that's very important. And what happens a lot of the times is that we, you know, everybody says dream big, you know, you're always thinking ki, oh, mujhe bada karna hai, bade plans, big plans, you know, I also had big plans for this year. And then something like a pandemic happens. So life mein bahut cheeze ho jati hai. And then, you know, you cannot sort of fulfill that big dream. Aap kahin pe fas gaye ho uske andar. But, you know, when I make something with my hands, it's so lovely that in the space of an hour or 2 hours or 4 hours, maine kuch socha. Like I had a thought, and then, you know, I saw the colors, I saw its form, I saw its shape, and then I started making it with my hands, and then finally mere haath mein wo cheez hai, you know, my thought becomes a thing. I mean, for that, for me, that is such a precious thing, you know, and so much of happiness I get from that, you know. So I think that is very important. Ye choti choti, like, you know, choti choti ways mein, when, you know, we can actually think of something and manifest it, I think that's a really lovely feeling. And I think wo haath se banayi hui jo cheez hoti hai, wo aapko wo joy or satisfaction de deti hai. You know, no matter what life throws at you or what, you know, the state the world is in. Yes, very true, very true. In fact, aapne jo bola, usse mujhe, you know, ye strike hua. आपने जो कहा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो मुझे एकदम से याद आया, मम्मी हमेशा कहती थी ये श्लोक, और उस श्लोक में मम्मी कहती सुबह उठते ही आप अपने हाथ देखिए, और अगर आप अपने हाथ देखेंगे तो श्लोक बोलते हैं कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थिता गौरी, प्रभाते कर दर्शनम. मीन्स हमारी यू नो द फोर फिंगर्स में लक्ष्मी स्थित है. जब हम कितनी चीजें बनाते हैं, करते हैं, पढ़ते हैं, काम करते हैं, उसमें हमारी फिंगर्स जो है हमारी क्रिएशन करती हैं. फिर मध्य सरस्वती, सरस्वती नॉलेज जो है, ये हम कहते हैं कि यहाँ हमारी लाइंस हैं, द लाइंस ऑफ फेट वेयर वी विल गो. सो दैट फेट इज ऑल्सो डिसाइडेड बाय द नॉलेज दैट वी गेन इन लाइफ, सरस्वती. एंड देन गौरी इज द एनर्जी, जो एनर्जी शिव शक्ति को पावर करती है. एंड टुडे इज नवरात्रे इज फर्स्ट डे, सो आई थिंक ऑल द गॉडेसेस वी कैन सी हाउ ब्यूटीफुली दे कम टुगेदर एज एन एनर्जी इन आवर हैंड्स. एंड द एनर्जी बेसिकली ऑफ क्रिएशन ऑफ एनर्जी एंड ऑफ यू नो गोइंग डीप इनटू आवर नॉलेज एंड विजडम थ्रू द पावर ऑफ आवर हैंड्स. सो वी मस्टंट अंडर एस्टिमेट आवर हैंड्स. एंड आप व्हाट यू सेड रियली इट वाज सो ब्यूटीफुल. That yes, there's so much that I can do with my hands. I never need to be upset in life. There is so much that, you know, is very much going for us. And in fact, jaise aapne bola, you know, we've all been so stressed in the COVID times for different reasons. There are some new things coming up. Parents pareshan hai, bahut zyada padhai hai. They have to take up multiple roles. You know, children are upset. You know, elders are upset for different reasons. Some people are, you know, locked in. So between all of that world where everything is going, you know, a dizzy, I think that the beauty of working with your hands is so meditative. It is such a calming thought to me. Yeah, ek cheez lekar ke hum baithe hue hain, bahut time bita rahe hain iske upar. Aur ye image jab main sochti hu ki main aaram se baith kar ke kuch cheez bana rahi hu, the most of all at that point mere man mein khayal aata hai हमारे आज के सेकेंड गेस्ट का, विच इज नीना मोहन, द क्रिएटर ऑफ नीना कृति. एंड नीना जी इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग लेडीज आई हैव मेट. शी इज एन एपिटम ऑफ वर्सेटिलिटी, पेशेंस एंड इनोवेशन. व्हेन आई से वर्सेटिलिटी, दैट्स बिकॉज आई मीन आई एम सो अमेज्ड एट द अमाउंट ऑफ वर्क दैट शी इज पुट इन. शी एक्चुअली विद क्रोशिया, एम्ब्रॉयडरी, टैटिंग, she has created you know, cases, bags, spectacle covers, slippers, wall art, table mats, sofa covers, jewelry, doilies, coasters, bed covers. I mean, she's like a one woman factory, and she's so versatile. Kya nahi hai, you know, like for children, beautiful covers, blankets,
She's actually worked with, she's one of the unique people who has worked with fabric to create earrings. So the fabric ke upar, she uses lace, fabric, beads, kumrus, creates the most astonishing earrings. And I must say, they really, they are such a perfect foil for boring winter clothes, you know, especially Western clothes, which are all dark colors. I always wear Nina Kriti. You know, Nina Kriti is just this beautiful, colorful contrast. It has so much details. Aap unke doilies dekhiye, unke har tarah ke kaam mein itni detail hai, itna thought hai. And I am so amazed to actually tell you that she is no less than a craftsperson from the village, because there was one, she, the kind of work she does with tapestries. There's a tapestry that she worked on for 10 months, 6 to 8 hours a day. Embroidering to create a whole tapestry. That's no less than all the craftsmen in the village who are getting the National Craftsman Award and, you know, all of that. She's creating things with so much patience and so much innovation, I must say. I have seen her create earrings based on our beautiful flowers that come in different seasons. So she's made flowers, flowery earrings based on the Java Kusum flower, based on the Amaltas flower, based on the sunflowers, you know, in our fields. So she's actually been able to take in those very small details jo hamare pedo mein hoti hain, phoolon mein hoti hain, and create such masterpieces with it. Amazing, simply amazing. And that's why I think, you know, she's just astounding. And I would like to welcome Nina ji. Nina ji, thank you so much for being with us today, taking out your time to be with us. थैंक यू सो मच जया फॉर दिस ब्यूटिफुल इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ यू नो मुझे खुद सुन के लग रहा है कि रियली देर इज समथिंग आई हैव बीन डूइंग काइंड ऑफ यू नो सो कैन यू हियर मी यस यस ओके ओके सो इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड लाइक माय मदर इट स्टार्ट्स फ्रॉम माय मदर शी इज माय गुरु एंड शी टॉट मी एवरीथिंग एंड आई एम सो थैंकफुल टू हर that she taught me, and today what I am is because of her. And it's just like a meditation for me. Like I have seen a lot of videos and heard a lot of things kind of, you know, about meditation. And they say when you meditate, the most important thing is to be in that moment. So that is what I have learned from this, to be in that moment kind of, you know, and even when I sit for the meditation, still my thoughts go here and there. But when I'm doing my work, you know, I just can't think. I just can't think of anything else. Just I keep thinking, jab ye khatam hoga, to ye kaisa lagega, ya what I have to do next or what, it's only regarding that thing. No wrong thought, no thought comes to my mind, you know. So it's a beautiful thing to keep you calm. And also that feeling that you are just not doing this regular work, you know, you are doing something more than that kind of, you know. Jaise log kehte hain yaar ghar mein baithna to bada bekar ka kaam hai kind of, you know, ki ghar mein baith ke is no job. But I must tell everyone, it is a job kind of, you know, like I also have to, it's like just corporate only. From the whole day I have to say ki acha ab ye khane ka time hai, ab kitchen mein itni der, ab isme. So it's like just like that only, if you want to be organized. So it's a great feeling. It's a great feeling, a real big meditation kind of for me, kind of, you know, to do this work. And thank you so much, Swati, for wearing the earrings. So and thanks to Jaya for giving me so much of opportunity. You know, it's a real challenge, because when Jaya tells me ki ye banana hai, so I tell myself, oh ho, ye ab ye main bana paungi ki nahi, but then I have to start, and I think the end result is it comes really well, kind of. No, definitely. I can say for fact that, you know, I'm very fond of all the seasons and ritus. So I've told her, you know, you have to create something with the flowers of different seasons, you know. And she came up with something so beautiful. It was amazing. In fact, I must also compliment you, Nina ji. I love the sari that you're wearing. Thank you so much. Embroidery over here. Thank you. Thank you. Thank you. I think sari is one of the best attire, kind of, I can tell you that. The kind of grace the sari has, I don't think no other attire has. Yeah, but the embroidery here is very beautiful. Is it also, you know, something specific? Yes, this is a specific, like in Bombay, you know, there is this RTI. I think it is the Ratan Tata Institute. So there, this is a special kind of embroidery, which they do there only, kind of, you know.
So I had this privilege of someone knowing, and then they got it done from there. Fantastic. So artist ki collection ekdam. Yes, yes. No doubt about that. Fantastic. Yeah. So I can imagine now, you know, when I imagine you and Swati, all of you work, you must be both having some real superpowers of concentration. I mean, concentration for long hours. घंटो फोकस बना के रखना. मैंने आपकी फोटोग्राफ्स भी देखी हैं जिसमें आप एम्फीथिएटर में बैठे हैं, बाहर कॉन्सर्ट देख रहे हैं, एंड यू आर आल्सो एम्ब्रॉयडरिंग एंड यू नो डूइंग क्रोशिया अलोंग विद इट, एंड देन समवेयर एल्स यू गो. सो डू यू टेक योर वर्क विद यू एवरीवेयर? यस, इट्स वन बैग इज फुल ऑफ ऑल द वर्क काइंड ऑफ, यू नो. सो जिसमें आई प्लान कि ये करना है, ये खत्म करना है, सो आई डू. एंड वहां पे लाइक आई लव टू बी इन द माउंटेन्स. And when you sit in the mountains and then you see that scenery around you, you know, and you are doing your work, it is another kind of feeling, kind of, you know, like it is, you cannot explain that. So I have to carry my work and I have to do it there because I get a lot of inspiration from the nature. So when we have a beautiful garden, so when I see the butterflies, you know, in the morning on the plants and all those things, so it really, it's very inspiring. And so I do most of my work from that. When I see, I tell myself, you know, God didn't have to make so elaborate kind of, you know, ek patta hai, usme lines hai, usme colors hai, usme kitna kuch hai. And then when I say that he has made such beautiful things, so we as human being, I think we can also create a lot better kind of, you know, by using our brain and using our mind and using our inspirations, so all the different kind of things. But this is definitely a superpower, you know, to be able to think like this also and then develop it in depth. And in fact, aapne inspiration ki baat ki, to this sounds very interesting. Because, you know, main ye sochti hu ki creative log jo hain, creative kaam karne se pehle, unke process mein banta kya hai? You know, what's cooking? Pakta kya hai? You know, banne se pehle, jo process hota hai, usme wo soch kya rahe hote hain? And how do they bring things together? In fact, main Swati se bhi poochna chahti hu. Swati, जैसे नीना जी ने ब्यूटीफुल ये माउंटेन्स एंड प्लांट्स का आइडिया जो उनको बहुत ब्यूटीफुल इंस्पायर करता है, आपके जो मैंने वर्क्स देखे हैं, आप उनमें कैसे इंस्पिरेशन कहाँ से आता है आपको? जैसे आपकी जो डायरीज हैं जिनमें इतनी अमेजिंग एफर्मेशंस होती हैं, वो इंस्पिरेशन, वो क्यूरेशन, वो सीरीज, वो आइडियाज कैसे आए आपको? कॉफी सीरीज, एक ही गाय सीरीज थी, ये आइडियाज आते कहाँ से आपको? आपकी डायरीज में मैं देखती हूँ ब्यूटीफुल अफर्मेशंस. एक्चुअली आई रियली लव व्हाट नीना जी जस्ट सेड. यू नो, नेचर डेफिनेटली इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन. एंड मैं तो कहूंगी कि यू नो व्हाट एन आर्टिस्ट रियली लर्न्स और समवन हु इज क्रिएटिव लर्न्स, नेचर से हम सीखते हैं हाउ टू सी पैटर्न्स, यू नो, जस्ट हाउ टू ऑब्जर्व पैटर्न्स, टू हाउ टू सी कि मतलब. और मुझे कई बार रहता है, जैसे उन्होंने वो फूल की बात करी, तो वो जो फूल है वो इतना सुंदर है, वो मुझे इतना सुंदर क्यों लगता है? कभी कभी मुझे लगता है कि यू नो इट रिफ्लेक्ट समथिंग फ्रॉम इनसाइड मी, यू नो, दैट्स व्हाई आई एम फाइंडिंग इट सो ब्यूटीफुल. एंड देन आई सी दैट पैटर्न एवरीवेयर, आई सी इट इन पीपल, आई सी इट इन थिंग्स, आई सी. सो फॉर मी लाइक आफ्टर अ पॉइंट दैट बिकम्स लाइक इमोशंस, यू नो. जो चीज हम नेचर में देखते हैं उसके बाद मैं उसको इमोशन की तरह फील करने लग जाती हूँ, और फिर वो इमोशंस मेरे अंदर भी हैं, मैं उनको भी, उनके पैटर्न्स भी देखती हूँ, ऑब्जर्व करती हूँ. तो मैं तो नेचर से ये सब सीखा है कि कैसे हर चीज, एवरीथिंग इज पैटर्न्स. सो देन व्हेन यू स्टार्ट सॉर्ट ऑफ यू नो थिंकिंग, कि समटाइम्स मेरा प्रोसेस ये होता है कि मैं वो पैटर्न्स देखती हूँ, वो मुझे पैटर्न सब जगह नजर आते हैं, और मुझे वो पैटर्न्स को फिर से बनाना है, अपने हाथ से बना के उसको फील करके उसको देखना है. You know, I want to see it. And then sometimes I feel it like an emotion. Like, you know, a lot of my stationery, if you're like, you're talking about affirmations, kabhi kabhi main logon ko dekhti hu, main news padhti hu, main baatein sunti hu, main dekhti hu ki hamare emotions ke patterns kaise chal rahe hain. Aur fir mujhe lagta hai ki, you know, there is something we need right now. I always think ki kya hai jiski hame zarurat hai, you know, because nature also teaches you how to, you know, always we look for a balance, you look for that dynamic balance. So I always, for a lot of times, like I started doing that affirmation series because mujhe laga ki duniya ko affirmation ki badi zarurat hai, you know, aur duniya ko shayad mirroring ki bhi zarurat hai. Kabhi kabhi main bahut thak gayi hu aur main nahi
कर सकती कुछ भी, तो मुझे तो कॉफी चाहिए होती है. सो यू नो आई वांटेड एवरीबॉडी टू फील लाइक इट्स ओके टू यू नो जस्ट से कि हां लाइक आई कांट डू विदाउट कॉफी, यू नो लाइक यू नो समटाइम्स यू वांट मिररिंग लाइक दैट. सो फॉर मी इट्स मोर लाइक all like a lot of the times my the things that I create, but they always come from nature. They always, the nature is the biggest teacher, and then you learn to look at people, you look at emotions, you look at patterns, and that wo na kahin pe jab tumhara mind still ho jata hai, calm ho jata hai after doing all of this, you know, then it just comes in, and then you just know that the next thing you're going to make is going to be this. So I think for me it would be that. Definitely, it's a continuation of what Neena ji said. Yeah, wonderful. In fact, एक बहुत ही beautiful song है, and that song is very relevant to the thought that you just put across. And we would like to request Madhu Mukesh ji, maybe he can bring it forward for us. Film Bund. क्या है वो एक्चुअली हरी हरी वसुंधरा पे नींद दिलाई गई. हरी हरी वसुंधरा नीला नीला ये गगन, नीला नीला ये गगन. हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन, के जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन. दिशाएं देखो रंग भरी, दिशाएं देखो रंग भरी, चमक रही उमंग भरी. ये किसने फूल फूल पे, किसने फूल फूल पे किया सिंगार है, कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है. तपस्वियों सी है अटल ये पर्वतों की चोटियां, ये सर्प सी घुमेरदार घेरदार घाटियां, ध्वजा से ये खड़े हुए, वजह से ये खड़े हुए हैं वृक्ष देवदार के, दलीचे ये गुलाब के, बगीचे ये बहार के. ये किस कवि की कल्पना, किस कवि की कल्पना का चमत्कार है, कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, ये कौन चित्रकार है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ओ ऑसम, दैट वाज सो ब्यूटीफुल. आई मीन हम सब लोग एक ट्रांस में चले गए, एंड ट्रूली creative energy is divine energy and divine energy is creative energy. ये मधु मुकेश जी ने आज इतना सुंदर ये कौन चित्रकार है इस गाने में बिल्कुल हमें पूरे फ्लो में ये समझा दिया है. So beautiful. Thank you so much. Thank you. और आगे थोड़ी चर्चा करेंगे अबाउट क्रिएटिविटी, एंड इस बार मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ. मैं बहुत क्यूरियस हूँ.
हमने ये तो समझा है फ्रॉम डिफरेंट आर्टिस्ट कि आपका एक प्रोसेस होता है एंड एक यू नो एक फॉर्म होता है और आप रोज उस पर काम करते हैं उसको डेवलप करते हैं तो प्रैक्टिस द प्रैक्टिस ऑफ योर आर्ट फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट बट ये जो प्रैक्टिस है इसके अंदर कुछ और भी फीड करता है क्या बिकॉज मुझे अक्सर ऐसा दिखता है जैसे मैं स्वाति आपको देखती हूँ तो आप जैसे आप अपनी आर्टिस्टिक क्रिएशंस करती हैं वैसे आप राइटिंग भी करती हैं आप डांसिंग भी करती हैं तो हाउ डू ऑल ऑफ दीज एनरिच योर क्विलकारी क्रिएशंस क्या ऐसा होता है कि डिफरेंट क्रिएटिव टैलेंट्स एक दूसरे को फीड करते हैं यू नो लाइक फिंगर्स सारी फिंगर्स मिलकर काम करती है ना वैसे क्या अलग अलग टैलेंट्स भी होते हैं लोगों के अंदर जो एक दूसरे के अंदर फीड करके कुछ ब्यूटिफुल क्रिएटिव हमारे अंदर से इमर्ज करते हैं बिकॉज मैंने एक बार पढ़ा था आपने कहीं लिखा था बीडिंग ज्वेलरी इज लाइक एडिटिंग कि आपके ज्वेलरी के पीसेज होते हैं एंड यू व्हेन यू बीड देम टुगेदर इट इज लाइक एडिटिंग तो एडिटिंग का तो आपको एक्सपीरियंस है सम थिंग्स आर ट्रांसफॉर्म्ड एंड सम आर डिस्कार्डेड तो जो जरूरी है और जो नहीं है वो एडिटिंग की तरह आपको वो एक्सपीरियंस होता है अपनी ज्वेलरी क्रिएशन में सो दिस इज आई फाउंड दिस वेरी इंटरेस्टिंग And I really want to know a little bit more about this. So, aap bataenge how these different, you know, creative forms kind of connect with each other. Yeah, absolutely. I mean, for me, they definitely, for me, these three things that I do, I'm a writer, I'm a dancer, and I'm a paper crafter or a quilling paper artist. You know, for me, these things are, they are equally important in my life and they all talk to each other. और मुझे इसका मुझे सबसे इंटरेस्टिंग इसमें ये रहती है कि ये तीनों चीजें ना दे टॉक अबाउट द सेम थिंग दे टॉक अबाउट इमोशंस एंड दे टॉक अबाउट टाइम लाइक फॉर मी दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मुझे लगता है कि तीनों में मैं अपने हाथ से काम करती हूँ यू नो इवन राइटिंग इवन इफ आई एम सेइंग आई एम टाइपिंग यू नो व्हाट आई हैव टू से यू नो आई एम एक्चुअली यूजिंग माय हैंड्स टू यू नो कनेक्ट टू माय हार्ट And then to my thoughts. So there is a flow, you know, that's happening even when I'm writing. When I'm dancing again, like it's my mind and my heart and my hands and my gestures and my body, that they're all in one flow. And even when I am like doing paper crafting, you know, this here, it's like I'm really working with my hands at very minute, you know, movements. But I always feel like it opens up, you know, my hands, they open up the way to my heart. And that's when my mind is free. You know, it's really open and free. For me, these three things just, they all feed each other. Ab kya hota hai ki writing mein bahut words hote hain. It's actually, writing is a very cerebral activity in many ways, you know. And that's when it becomes really difficult. You know, it always has to flow. And, you know, paper crafting really helps me sort of, you know, like get into that flow. And dancing is again, like it's a very big physical expansive movements, you know, lot of expenditure of physical energy. So again, I feel ki, you know, when it's writing or if it's paper crafting, you know, it really sort of like brings me closer ki mujhe bas choti movements karni hai, thoda thoda apne aap pe spend karna hai, you know, it gives me relief in that sense. So all three of them, I feel they talk to each other and I cannot live without like one of them also, you know, I need to have like all three of them in my life always. And that's when I'm happy and I'm creative and I'm, you know, absolutely flowing with things. So definitely what you just asked is definitely true. They always talk to each other. Oh, that's lovely. So my suspicion correct tha iska matlab. That definitely it is not just, you know, one practice and one art form. बहुत सारी चीजें एक दूसरे को फीड करती रहती है एंड देन एक बड़ी सी रिवर है ना जैसे उसकी वो ट्रिब्यूटरीज हैं मतलब दे आर नेवर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर इन दैट सेंस हाउ ब्यूटीफुल हाउ लवली इन फैक्ट शिवानी इज आल्सो हियर विद अस फ्रॉम पुणे एंड शिवानी वुड लव टू सिंग अ सॉन्ग एज अ डेडिकेशन टू क्विलकारी एंड द ब्यूटीफुल वर्क्स दैट यू क्रिएट सो शिवानी प्लीज जॉइन अस एंड शेयर योर सॉन्ग Hello everyone, very good evening. Hello Jaya ji and welcome all guests. Hello Swati ji, Neena ji. And I must say, aaj to veranda creativity ka hub ban gaya hai.
such a wisdom words going on. So really happy to listen and following those things. Swati ji, you really said everything beautifully. And एक चीज मुझे बहुत इंस्पायर करी कि our hands open up the way to our heart. I mean, if we have like we have art in the hands, तो if we start working with them, तो हमारे heart में क्या है? सब hands के through बाहर आएगा. So that's the wonderful thought. And Jaya ji, must tell you, आपके last session से मैं बहुत inspire हुई. That was on creativity, the first one. And I'm from Pune. I'm also a blogger. So I have started writing a like short write-up on creativity, and I have written few lines, rather I should say a poem on creativity. It says that creativity is positivity. So the line goes, uncage the bird of your mind and unlock the wing of your bird. Fill the wings with the flight of thoughts and unleash the imagination power, and then sky is the limit. So this was the end part of my write up. The topic was creativity is positivity. So I ended my write up with this poem, four lines. So, and I must say I was highly inspired by you saying each and every word. I fully follow that, and I am happy that I am getting very great results. और आज मैं गाना गाना चाहूँगी छोटी सी बात मूवी का जो टाइटल सॉन्ग है. न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी आ छोटी छोटी सी बात. न जाने क्यों वो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं. चल न जाने क्यों वो अनजान पल ढल गए कल, आज वो रंग बदल बदल मन को मचल मचल रहे हैं. चल न जाने क्यों वो अनजान पल सजे भी ना मेरे नैनों में, टूटे रे हाय रे सपनों के महल. न जाने क्यों होता है ये जिंदगी के साथ, अचानक ये मन किसी के जाने के बाद करे फिर उसकी आ छोटी छोटी सी बात. न जाने क्यों. थैंक यू. फैंटास्टिक शिवानी, थैंक यू सो मच. एंड दैट इज वन मोर मल्टी टैलेंटेड वुमन ओवर हियर. थैंक यू. सो नाइस, वी हियर योर राइटिंग एंड वी हियर योर म्यूजिक. And so much creativity brewing. Thank you so much for all your words and all of your feedback. How is unraveling creativity helping anyone? You know, because that is our motivation. As long as it helps more people, nothing like it. Thank you so much. Yeah, and actually, मुझे अभी सुन के तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है. In fact, मैं नीना जी से ये बोलना चाहूँगी कि I think सबके पास hobby होनी चाहिए, you know. Yes. I really believe that if you have a hobby, especially where you work with your hands, you know, it's just so amazingly important. मैंने हमेशा अपने बच्चों को बोला है कि पढ़ाई तो आप करो, करो ना करो, लेकिन you have to create something with your hands. Music करना है, dance करना है, sculpture करना है, painting करना है, जो whatever you feel like. And it's interesting, but dono ke dono, they can also whip up, you know, a bit of momos and pasta and, brownie for themselves. So, unko bhi haath se kaam karke maze, you know, uske jo maze hain, unhone chak liye hain. And I feel so happy about that. I always encourage them. But, main aaj aise bhi bachcho ko milti hoon, jinki koi hobbies nahi hai. And actually, I find that really astonishing. Matlab, mujhe vishwas nahi hota ki, matlab, not a sport, not a dance music, not a painting, not reading books. They have absolutely no hobbies. मुझे लग और ये मतलब international schools में भी हो रहा है और हमारे CBSE schools में भी हो रहा है.
And I find absolutely, after talking to all of you extremely multi-talented people, I wonder, हमारे बच्चे ये कैसे शुरू हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? नीना जी, यू हैव टू हेल्प मी टू अंडरस्टैंड दिस. हाउ कैन अ चाइल्ड हैव नो हॉबी? फॉर मी अनथिंकेबल. मतलब एटलीस्ट स्पोर्ट खेलने तो जाते ही हैं बच्चे बाहर, यू नो. आई मीन, हाउ इज इट पॉसिबल? But I don't know how it started changing, kind of, you know. नहीं तो initially तो if you remember, like मेरे बच्चे अपने घर में बाहर छुपन छुपाई खेले हुए हैं, kind of, you know. So it was like outdoor, and I think schools का भी बहुत pressure है. If you just ask me, like my kids went to Sardar Patel, and you know in Sardar Patel one good thing was there that उनका कोई unit test में कुछ number count नहीं होते थे. And so they didn't have to worry कि ओहो यार अगर मेरा final आएगा उसमें 10 number का है ये. So I think these needs need to stop now, kind of, you know. जैसे आपने कहा पढ़ाई तो करो ही करो अपने बच्चों को, but ये भी साथ में करो. So everyone should have hobbies, and everyone has a hobby. But sometimes वो दबा दी जाती हैं because of the whole environment, you know. कि I think अब जैसे ही शुरू होता है तो it starts कि MBA करना है या engineering करनी है या doctor. Sometimes I think earlier it was good कि एक doctor था एक engineer था, you know. अब इतना कुछ हो गया है कि people can decide कि क्या करना है मेरे को. So in that I think it is becoming difficult, and it is hiding somewhere. Like in for girls, if you talk. अब हमारे को तो होम साइंस वॉज वेरी गुड, यू नो. सो आई पर्सनली फील इवन यू हैव अ सर्वेंट स्टिल यू शुड नो हाउ टू कुक, बिकॉज अगर उसको सुपरवाइज कर रहे हैं आपको पता होगा तो आप उसको सुपरवाइज करोगे. बट इट हैज बिकम लिटिल डाउनग्रेडेड. नहीं नहीं कुकिंग क्या करके करना है, काइंड ऑफ, यू नो. तुम अच्छे पैसे MBA कर लोगे तो यू हायर अ मेड, काइंड ऑफ, यू नो, वो कुक कर देगी. बट आई पर्सनली फील दैट इफ यू हैव टू एम्पावर योर, इट्स नथिंग अगेंस्ट एनीवन, इट इज नो क्रिटिसिज्म. But you have to empower your kids, you know, you need to cook for them. If you cannot do every day, so I think wo jo ek system ban gaya ki ji sare, because everyone is working now, ki sara hafta kaam karke chalo Saturday Sunday let's go out to the cyber hub, kind of, you know. So I think cyber hub mein jab jao weekend pe to aisa lagta hai everyone is out in the cyber hub, kind of. So and it is like this ki agar tum weekend pe ye decide kar lo ki aaj Jaya ki pasand ka sari family wale banayenge. It's not like this ki bhai ek bana, the whole family is what Jaya likes. Next weekend your kid, next weekend father. So you have to make it little better thing, kind of, you know, then pushing on them ki nahi nahi tumhe to seekhni padegi. Like our mothers to used to tell us ki tumne dusre ghar jana, you better know cooking, kind of, you know. So times have changed, which is fine, because when you need to change with times, it is important. But it's interesting, आपने ये भी बोला था कि आपकी मम्मी ने ही आपको एम्ब्रॉयडरी सब सिखाया और आपने उस सबको अलाइव रखा. All along you have raised your children in a fantastic homemaker. But रात को 10 बजे नीना जी बैठ करके अपना काम जरूर करेंगी. And she will work for hours at a stretch to do her work and continue that traditional art form. So आपने सीखा है. That is amazing. And I have changed it with the years. Like when my kids were small, you know, at that time I was not up for that late because I had to get up in the morning. Now the kids are grown up, they are married. So now I find that time jab ghanti nahi bajti, koi aata nahi hai, koi kuch mangta nahi hai. So I know ki 10 o'clock is the time, 9 o'clock, because we eat food on time, dinner on time. So after that, I just sit and it's my time, kind of, you know. I don't want my mind to get disturbed ki if I'm working on something, kind of, then I have to get up and say, achha, meko ye de do, mujhe ye karna hai, ya someone has rung the bell, so I have to get up and see. And definitely, Jaya, the family support, what I am today is because of the family support. Absolutely. From my mother, she taught me, to my in-laws, and you know that when the family supports, you know, then it gives you that happiness to create a thing. So when I create a thing, I go and show it to everyone. It is not ki maine banaya, main khush hoon, and it's over, kind of, you know. Then I go and show it to everyone, like my daughter-in-laws, my sons, you know. In a small way, they have been selling my stuff also. My son opened my Nina Kriti page. My husband goes with me to buy my threads, kind of, you know. So it is a full family kind of a thing. So usse जो क्रिएटर होता है, यू नो, इट गिव्स लॉट ऑफ एनकरेजमेंट. माय फ्रेंड्स, यू नो, एवरीवन हैज सपोर्टेड मी टू द फुलेस्ट, एंड डेफिनेटली माय मदर इज एट द टॉप, एंड देन रेस्ट एवरीवन फॉलोस, काइंड ऑफ, यू नो. सो फैंटास्टिक. आई थिंक ये बहुत ही अमेजिंग थॉट है दैट अगर हम चाहें तो हर एक चने की क्रिएटिविटी इनकरेज हो सकती है. एंड इट हैपेंस एट द न्यूक्लियस, इट हैपेंस एट द फैमिली लेवल. First of all, yes. You know,
So there is something to explore. मतलब एक तरह से it's not only about something to show off, but it's also to explore. Yes. चलो मैं you know करके देखूं. Let me just try this out. So you, why not let people try out different things? And you know, in our house, like ours is a sports lover family also. So even during this COVID, you know. Like obviously मुझे तो कोविड का पता नहीं चला because for me it was the same. It was social distancing was there, but at home my routine was the same because I am not a very kind of a person who likes to go out much other than traveling to the mountains kind of, you know. So we and in our living room, you know, we made with two wickets and a rassi, you know, and we just played the tennis kind of a thing, you know. Or on the dining table, we put a few tapes in the center and we played table tennis. So it was so creative kind of, you know, then we played Ludo and we played Uno. So all those things. So the, as a whole family, like we were all enjoying it kind of, you know, and cooking, like I have made, I mean, for last 5 months, not a single day has been there that I haven't made ice cream, you know. So I tell my kids, you know, that ab bas because of mausam badal gaya, they say one more time, ek last or kind of, you know. So it's fun. Fantastic. इसका मतलब क्रिएटिविटी के बहुत तरीके हैं, बहुत उपाय हैं, वो निकालने पड़ते हैं. Yes. और सब में होते हैं. Absolutely. सब में है. और इसी थॉट पर आई थिंक मधु मुकेश जी हमारे लिए बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग लेके आए हैं. वी लाइक टू इनवाइट हिम. मधु जी प्लीज. थैंक यू जया जी, नीना जी एंड चट्टोपाध्याय जी. बहुत ही प्यारा नगमा है. हेमंत कुमार साहब की म्यूजिक है इसमें, है गुलजार साहब का लिखा हुआ गीत है. और आज पहली बार मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मुकेश जी को गाता हूँ, पर आज अनिला जी ने बोला कि आपको ये भी सॉन्ग तैयार करना है, तो मैंने शाम को तैयार किया. फिल्म खामोशी से 1969 की एक फिल्म, बेहतरीन गाना है. हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो. प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो. हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो. हमने देखी है प्यार कोई बोल नहीं, प्यारा आवाज नहीं, एक खामोशी है सुनती है कहाँ रुकती है, ना ये बुझती है ना रुकती है ना ठहरी है कहीं, नूर की बूंद है सदियों से बहा करती है, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो. प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो. हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के रिश्तों का इल्जाम न दो. हमने देखी है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Wonderful. Thank you so much, Madhu Mukesh ji. That was beautiful. Really lovely. So much talent is flowing, you know, throughout the program. Multiple kinds of talent. And in fact, मैं स्वाति से पूछना चाहती हूँ. मैं एक सवाल है जो youngsters यहाँ घर पे पूछ रहे हैं, और आप क्योंकि young millennials के बारे में बहुत कुछ जानती हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे आपके इतने सारे talents हैं, और आप even with quilkari, how do you feel
about creativity. Does it have to be like, can it be a hobby? And does it have to become a profession? जब हम creative अपने creative self को pursue करते हैं, is it necessary कि हम उसको एक profession बनाएं? Can we keep it a hobby? And in fact, कहीं उसके बीच में भी कुछ है, you know, between the profession which earns us our money or our daily bread, and then there is the hobby which we don't pursue for you know, an economic gain. But in between, क्या हम उसे अपने ढंग से कुछ navigate कर सकते हैं? आपका क्या ख्याल है? What would you say about it? You know, after having heard, you know, this lovely song sung by Madhu Mukesh ji, I was just reminded of, you know, like, so I have three professions and none of them is the profession in that sense for me. So, you know, once when I was about 16, 17 years old, I'll just tell you this funny anecdote. My mom, my parents who are probably watching this right now, my parents had a love marriage. So, one day when they had a big fight and my mother was really upset with my father, and she just went in the room, into her room, and she looked at me and she said, you know, if you fall in love with someone, don't marry him. So at that point I was just like, mommy, like, what does that mean? But you know, I thought about it, and of course, like, I did fall in love with my husband, I did marry him. But you know, when it comes to my profession, I think, you know, I did follow her advice that, you know, okay, writing is my bread and butter, or, you know, it is like my marriage in some ways, like, you know, and I will make some compromises sometimes. I will, it's difficult sometimes, and, you know, it's really wonderful also. But, like, I chose to not make quilkari like that, like, in some sense, you know, it's like my lover in that sense. Okay, I chose to not give it a name. So you know, I think for me, I've really worked, like, you know, made sure to keep it this way, because a lot of people will keep telling me, oh, so talented, iska business model bana do, aise isko scale up kar do, you know, you train a few people and ye yahan pahunch jayega, ye aise ho jayega, and all of that. And I was just always like, you know, no, like, I need to see it for what it is. It's not a business model for me, or if it is a business, then, you know, like, maybe I'll do it on my terms. And I will not sort of, like, you know, flog it in a way that I just all the enjoyment and the joy and the whole point of it, like the whole sharing part of it, which I really enjoy so much. And, you know, that will just go out of that completely. So for me, it's like I've found a way to mediate between these things, you know, between these, this profession hai ki nahi hai ki hobby hai. And I personally don't even mind, like, you know, I think, like, what, again, what Meena ji was saying about, like, you know, hobbies. I just feel ki hobby, ek hobby hona, or something which is not your profession, you know, your bread and butter, your calling, your passion, etc., is so important, because hobbies teach you how to fail. You know, what teaches you, what in the world will teach you how to fail? It's okay to fail. Like, I want to make something, I fail so many times. You know, and then one fine day it will come about, which is, and I allow myself to fail. But in other aspects of my life, I know I'm really scared of failing. I don't want to fail. So perfectly hona chahiye aur ek hi go mein hona chahiye. So I see that a lot in a lot of young children nowadays, a lot of millennials nowadays. You know, they are very scared of failure, and nothing in their life is teaching them how to fail, because, you know, a lot of the time what happens is ki jab bachcha hai uske hobbies hain. अब पहले क्या होता था, देयर वाज ओनली इंजीनियरिंग, डॉक्टर, और यू नो, टीचर, और व्हाटएवर, थोड़े बहुत जो है, और बाकी तुम्हें जो भी अपने हॉबी वॉबी करनी है करते रहो, बट यू नो, ये तुम्हारा प्रोफेशन है. अब क्या है कि यू कैन हैव सो मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोफेशन. सो व्हेन द पेरेंट्स सी कि बच्चा हैज हॉबीज, दे विल बी लाइक, व्हाई डोंट यू मेक दिस योर प्रोफेशन, यू नो. सो इट्स लाइक द चाइल्ड इज नेवर रियली हैविंग फ्री टाइम टू फ्री प्ले इन देयर हॉबीज, व्हेन अलाउइंग देमसेल्फ टू फेल, एक्सपेरिमेंटिंग, प्लेइंग, ऑल ऑफ दैट, यू नो, एवरीथिंग बिकम्स, इट्स लाइक जब हम टीनेजर होते तो हमारे बड़े क्रशेज नहीं होते लोगों के ऊपर, लाइक हर हफ्ते कोई न्यू क्रश है टाइप थिंग, यू नो. इमेजिन इफ यू नो यू आर टोल्ड दैट इसके साथ भी तुम्हारा रिलेशनशिप हो सकता है, इसके साथ भी तुम्हारा रिलेशनशिप हो सकता है, इसके साथ भी, यू नो, शाहरुख खान ही क्यों ना हो, यू कैन हैव अ रिलेशनशिप विद शाहरुख खान इफ यू वर्क वेरी हार्ड.
you know, so how stressful that would be, like, you know, to, so I think it's very important for everybody to think that, you know, everything doesn't have to become your profession, and everything doesn't have to be something that brings you money, or everything doesn't have to be something that brings you fame or whatever it is that you want, you know. There are some areas in which you have to invest, because you just play and you just flow, and, you know, you just allow yourself to make mistakes. And I think that's really beautiful, and it's something we all need, all of us need in our lives. So definitely, you know, like, I think that's definitely possible, and uske liye bas bahut will power honi chahiye. Yeah, in fact, मुझे आपकी बातों से ये भी याद आया कि हमारे जो गुरु डांस में, हमारी गुरु गुरु प्रतिभा जैना सिंह, उन्होंने हमें सबसे पहले शुरू में यही समझाया था कि जो आपकी आपका डांस है ये परफॉर्मेंस नहीं है. शी सेड अगर आप सारा टाइम परफॉर्मेंसेस करते रहोगे तो फिर आपका जो क्वालिटी है, डेप्थ है, सब्सटेंस है, सब डाउन हो जाएगा. तो यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव. तो हमने उनसे यही सीखा. वो कहती कि आपका परफॉर्मेंस नहीं है, ये आपका जो डांस आपकी प्रेयर है. It is your prayer. ये आपका एक medium है, you know, divine energy से connect करने का medium है, pray करने का. और तो हमने अपनी गुरु शिष्य परंपरा में वो सीखा. तो हम multiple, मतलब बहुत ज्यादा भर भर के performances, भर भर के events, या बहुत ज्यादा teaching भी ये सब नहीं करना चाहते. Not on a mass scale, because then it takes you somewhere away from the introspection, reflection, quality, जो आप लाना चाहते हैं, और अपने आप के साथ भी जो आप रहना चाहते हैं, अपने इंट्यूशन के साथ, अपने अंदर की आवाज की जगह बाहर की आवाजें ज्यादा सुनाई देने लगती है. तो मुझे इस बात का बड़ा यू नो ब्यूटीफुल थॉट आया. नीना जी, आपको क्या लगता है अबाउट दिस? डेफिनेटली, आई मीन लाइक स्वाति सिंह की हॉबी एक्चुअली, अगर तुम उसको प्रोफेशन में चेंज करते हो तो देन यू हैव टू ऐड वन मोर वर्ड, स्ट्रेस. Kind of, you know, so hobby doesn't mean stress. Hobby means that at your leisure time, what you want to do. Like, even if I have to make my earrings or any of my stuff, I never tell anyone ki main aapko ek hafte mein ye de dungi. It's I'll work on my own pace, and I think I will give when it is ready, kind of, you know. Aise nahi ki 6-7 ghante I'm working on it and I have to give it. So when it comes to hobby, then hobby has to be like enjoyment, like pleasure, like you said, divine kind of a thing, kind of, you know, when you're doing it, you're feeling good about it. And I think then your creation also comes good. But if you keep it like this, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लेकिन ये है कि आप दोनों जो हैं केवल उसको हॉबी भी नहीं बनाते हैं. ये इंटरेस्टिंग है कि यू सेल योर वर्क आल्सो. नीना कृति, इट्स ऑनलाइन, एंड जब आप कलेक्शन निकालते हैं तो हम लोग बड़ी खुशी खुशी, वी कैन यू नो गेट मे बी वन और टू ऑफ योर क्रिएशन टू यू नो एंजॉय. लेकिन एट द सेम टाइम आप लोग उसको मास लेवल पे भी नहीं बनाते. और जहां तक मुझे याद है, आई थिंक आप ही ने शायद बोला था कि अगर मुझे किसी एक चीज को कोई बोले ना मुझे 10 चाहिए, तो आप बना नहीं सकते. नहीं, हाँ, नहीं बना सकते. I'll get bored of that kind of, you know. So मुझे वो enjoy नहीं करूंगी मैं. But you know, again, we have to also understand कि what is, it is our choice definitely, and what is the need. What is the need? लेकिन अगर किसी को, if someone, because see, it all depends on how ambitious you are. Like, I'm not that ambitious कि मैं 3 लोग रखूं और फिर मुझे वो सिरदर्दी लगती है, ठीक है ना. But there are people kind of, you know, that who would be doing that and they enjoy that. So that's fine with that. But basically, if you describe hobby, then it becomes that you are stress-free kind of, you know. When you have to do your hobby, you have to be stress-free. So when you become, it is commercial angle, उसमें उस level का डालते हो, then obviously, because you have to deal with your workers and all those things come in, you know, कोई सामान लाना है, ये खत्म हो गया, ये हो गया, so all those things are not there kind of, you know. So that is, I feel कि hobby को hobby ही रहने दो, कोई नाम ना दो, it's like that. That's so, a beautiful thought. In fact, Neena ji के लिए, Neena ji, हमारे show में दूसरी Neena ji है, Neena Sharma. And a beautiful singer. आपके इसी thought पर वो एक गाना लेके आई. Okay, thank you. Thank you so much, Jaya ji. And being great with such beautiful ladies here, and so much inspired by you know, I'm watching Swati's earrings, lovely earrings, and that beautiful sari, and Jaya ji's ring. Everything is inspiring so much. That this, the rings and these earrings is quilkari, which is created by Swati, and what Swati is wearing is created by Neena ji. That's Neena Kriti. Awesome, beautiful, so amazing. Okay, I would
this song was suggested by Neena ji only, so I would sing this. Song is from Aista Aista film. कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता, जिसे भी देखे वो अपने आप में गुम है, जिसे भी देखे वो अपने आप में गुम है, जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता, जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, बुझा सका हे भला कौन वक्त के शोले, ये सी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता. थैंक यू. Beautiful. That was lovely, Aji. Beautiful. Thank you. Thank you so much for putting us in a trance. हम फिर सब फिर से खो गए. अब मैं वापस किस विचार पे थी, मुझे वापस सोचना पड़ेगा. But seriously, अभी you know, for me, हम artist जो है बहुत सुनते हैं आजकल. हमारे जो friends जो है बड़ी बड़ी companies में काम कर रहे हैं, CEOs हैं, तो वो बोलते हैं कि यार ये व्हाट इज दिस, यू नो दिस क्रिएटिविटी इज द बज़. आई मीन ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल आर सेइंग कि अब बड़े बड़े ऑफिसेज, यू नो द मल्टीनेशनल्स एंड इवन गूगल फेसबुक, दे ऑल सेइंग यू नो क्रिएटिविटी इज द नीड ऑफ द आवर. अपने एम्प्लॉइज को बोल रहे हैं फाइंड योर क्रिएटिविटी. सो यू नो व्हेन दे टॉक टू अस अबाउट दिस, यू नो आर्टिस्ट के पास ये कुछ यू नो क्रिएटिविटी होती है, ये आती कहाँ से है, यू नो नाउ दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट दैट प्रोसेस. सो I always find it very surprising कि हम इतनी बातें creativity की कर रहे हैं. I mean, जब you know generally even some of these big companies, big names, and then you have big international schools, progressive schools, सब creativity की बातें कर रहे हैं. But अगर मैं real life में अपने आसपास देखूं, तो do we really have the time to create? Because हम जिस time में बड़े हुए हैं और जिस time में हमें as artists time मिला है, हमें समय मिला बचपन में भी, कॉलेज में भी, बाद में भी कुछ समय मिला, उस समय के अंदर, उस टाइम के अंदर हमने अपने प्यारे प्यारे थॉट्स जो है वो संजोए. किसी ने उसका गाना बना दिया, किसी ने उसकी कविता बना दी, किसी ने उसकी यू नो एक ब्यूटीफुल पीस ऑफ यू नो एम्ब्रॉयडरी बना दी, किसी ने उसकी कहानी लिख दी. पर बिना उस समय के, बिना हमारे पास समय ही नहीं है अगर, तो आई मीन क्या ये क्रिएटिविटी रियली परस्यू हो सकती है? आई मीन आई एम वेरी क्यूरियस. एंड मैं स्वाति, आप दोनों मुझे बताइए, पहले स्वाति आप बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में. या आई थिंक यू नो दिस इज द व्हाट एवरीबॉडी सेज कि टाइम नहीं है. मैं भी अपने आप को बोलती हूँ बहुत बार, हाँ नहीं हमारे पास अभी टाइम नहीं है. बट आई थिंक इट्स मोर अबाउट हमारे पास वो इंस्पिरेशन नहीं है, या हमारे अंदर वो हमने एक कुछ ऐसा अपना एनवायरनमेंट नहीं बनाया कि हम फ्लो करें उस तरह से. एंड देन यू नो बिकॉज क्रिएटिविटी इज नॉट समथिंग विच यू कैन कीप इनसाइड आल्सो, उसको फ्लो करना है. एक बार आप उसको फील करोगे तो जैसे इट्स लाइक नलका खुल गया, लाइक इट विल जस्ट कीप गशिंग फ्लोइंग एंड देन देयर इज नो टाइम वाइम एंड ऑल लाइक यू नो ऑल ऑफ दैट. देन यू जस्ट हैव टू फाइंड योर प्रायोरिटीज. आई थिंक द अमाउंट ऑफ टाइम आई spend scrolling on my phone, you know, to uske sath se I should not be saying ki mere paas time nahi hai, but I think it's more about aligning yourself with
everything, like your mind, your heart, your emotions, your intentions, your vision, and then aligning yourself with the world. You know, once you do that, then there is no, you know, I always say there is no time. Like time jo hum itna karte hai na, actually there is no time, and everything is just flowing, and you can always find the time, and you can always make the time, you know. When you know what you actually need to do is so important and so precious, and you cannot live without that, you know. So I do think that, you know, this whole thing of we are so busy and there is no time is just, you know, they are just alibis. We are just lying to ourselves. Yeah. And Neena ji, आपको क्या लगता है? आपने इतनी generations देखी, अभी grandchildren भी children. आपको क्या लगता है? आजकल जिस तरह पढ़ाई हो रही है, नॉनस्टॉप पढ़ाई हो रही है, बहुत ज्यादा पढ़ाई हो रही है, मुझे लगता है हमसे कहीं ज्यादा पढ़े लिखे होने वाले हमारे बच्चे, और जितना होमवर्क्स होते हैं, इतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनके पास कोई वीकेंड नहीं होता है, उनके नॉनस्टॉप समेटिव असेसमेंट्स होती हैं, नाइन्थ स्टैंडर्ड आते ही पता नहीं क्या हो जाता है, और नाइन्थ तो दूर की बात है, थर्ड स्टैंडर्ड से हम कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं. एंड इवन दो अब इंजीनियर्स और डॉक्टर की इतनी भीड़ नहीं लगी है वो बनने के लिए, फिर भी हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो एब्सोल्युटली बसर्क हो गया. तो इस बसर्क टाइप ऑफ सिस्टम के अंदर आपको क्या लगता है क्रिएटिविटी का कितना स्कोप है? आई थिंक व्हाट योर वर्ड यू यूज्ड इज एब्सोल्युटली राइट कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इज गॉन काइंड ऑफ क्वाइट हेवायर काइंड ऑफ, यू नो, क्योंकि ये बहुत डिबेटेबल चीज है. लाइक आई डू दिस वर्क, यू नो, एंड आई हैव कपल ऑफ ग्रुप्स. अब उन कपल ऑफ ग्रुप्स में देयर आर लॉयर्स, there are principals, there are engineers, there are MBAs also, who keep this as a hobby. They make things, you don't have to sell it, but they make things kind of, you know. Ab wo aaj ke time ke nahi hai, but wo jab lawyer the, wo all of a sudden one night mein to unhone shuru nahi kiya banana. Jab wo lawyer the, tab bhi wo bana rahe the. They were taking out time to make kind of, you know. They didn't have this ki ek unke paas work hai, like she's a lawyer or she's an MBA or she's an engineer, so they are doing that work. Along that, there or she's a principal of a school. So along that, they have been doing this work also. So you cannot say ki kaam ke saath tum wo nahi kar sakte. And I think it all depends on the environment of the family, Jaya. That is very important. Or schools may from the very beginning, like I used to do anchor workshops, and I found out that even boys are very good in the needlework. I mean, sometimes their work is a lot more neat than the girls. So, वो तो अभी हम बहुत दूर हैं उससे, kind of, you know, we cannot tell boys कि तुम भी ये करो and all those things. But what I'm trying to say is that it depends on the family environment, how much the parents push for this कि नहीं, because you know tuitions need to reduce a little bit for whatever reason. And it is not from for engineering. I've seen the like class one tuition, class two tuition. I don't know what they go and study there and what the teachers teach them, kind of, you know. Because that level. And the second thing what comes is that agar ek mother subah 7 baje ghar se nikal jayegi aur wo sham ko ghar aayegi, kind of, you know. So aaj ke time mein where the kids are also so demanding, kind of, you know, aur wo to muh pe bol denge ki aapne humko kaun sa time diya, kind of, you know. We didn't have that kind of courage to say agar nahi bhi diya tab bhi, but now the kids would say ki aapne kya kiya, aapne kaun sa time diya. So I think it is a collaboration of too many things. And definitely schools, when, do you remember earlier we had model science? Model science was a subject in which one period was there. But now that has gone. So all over, people are talking about the film industry, ki drugs. So if you talk to the normal person, they say, why are you going to the film industry? In schools and colleges, everywhere, this is already happening. So you're so scared to send your child to a school, kind of, you know, thinking ki I don't know what they're going to. So uske liye ghar ka jo atmosphere hai wo bahut important hai, aur wo bahut, the parents will have to give time to their kids for them to have some this thing, you know. Creativity can be in any, or parents will have to find out ki unke bacche ko kya pasand hai, because bahut jagah ye bhi hota hai ki jo creativity parents puri nahi kar paaye, so they want their kids to do that, so it doesn't work always. So that is also there, kind of, you know. So all those things have to be taken, and I think schools it's very important. Schools mein bahut important hai thodi si spiritualism, and spiritualism means not religion or not bhakti, kind of, you know, the way of living. So that is because when the child is small, he has so much of love, so much of everything, you know,
एंड आई हर्ड दिस यू नो व्हेन द चाइल्ड इज स्मॉल वो रोज आपको एक बात आके बताता है एवरी डे यू लिसन टू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड समटाइम्स यू आर किसिंग द चाइल्ड यू आर हगिंग द चाइल्ड एंड एज द चाइल्ड ग्रोज यू नो तो अगर वो एक बात को दोबारा बोलता है तो यू से कि ओहो ये तो अभी तुमने कल बताई थी बस अब वी डोंट वांट टू लिसन टू दिस देन ही विल गो टू द फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स कैसे हैं सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट काइंड ऑफ अ कल्चर इन द फैमिली एंड यू नो आई हैव सीन दिस इज माई एक्सपीरियंस जब मेरा बच्चा मुझे हेलो बोलता है ना इवन ऑन द फोन सो आई कम टू नो कि कुछ इशू है इसके साथ और ही इज हैप्पी और वट इज द देर इज सम प्रॉब्लम सो आई थिंक इट हैज टू बी दैट क्लोज काइंड ऑफ यू नो सो things will get better so I am quite hopeful and people like you I think we need to talk a lot more about creativity kind of you know and maybe now you should start having sessions in the school go and meet the principals you know that what are you doing karke so I think it is very important otherwise it's going to go very very down to earn money is not bad To earn money is not at all bad, kind of, you know, if the need of the hour is such, if your family is going through bad times, all those things, you need to help the family. And the other thing, what I feel is that how it started changing, you remember a long time back, there was a lot of dowry debts that the people used to kill the girls and all those things. And at that time, I think parents started realizing that, I think ye khana wana paka ke kuch nahi hoga. Like my daughter doesn't have to go to a house as a maid to cook food. We need to educate them so that tomorrow if something like this happens, so our daughter is independent, can raise the children and all those, because mostly wo cheeze mother pe hi aati hai, even you have a child, the mother has to raise the child and all those things. So seeing, I think that in mind, you know, that people started drifting towards this independent kind of a thing and all those things. But now times have changed. I think those dowry things have gone a little down. So I think once again, jaise wo kehte hai na, change ke saath wo zaruri tha. अब चेंज के साथ ये जरूरी है दैट वी नीड टू गो बैक एंड वी नीड टू थिंक अबाउट इट कि नो वी नीड टू हैव लिटिल हॉबीज अगर हम हॉबीज रखेंगे ना तो ये जो बच्चे थोड़े से इधर उधर हो रहे हैं सी इट नथिंग इज रॉन्ग एंड नथिंग इज राइट यू नो व्हाट आई डू समटाइम्स आई फील दैट आई एम डूइंग राइट व्हाट यू डू यू थिंक यू आर डूइंग राइट बट दैट दिस कल्चर ऑफ लॉट ऑफ ड्रिंकिंग एंड थिंग्स लाइक दैट फ्रॉम द वेरी यंग एज वी नीड टू टेक केयर ऑफ दोज थिंग्स और अब वो हो चुका है कि पेरेंट्स आर फ्रेंड्स बट स्टिल वो छुपके करते हैं ठीक है ना पहले पेरेंट्स का डर था तो वो छुपके भी थोड़ा कम होता था अब पेरेंट्स फ्रेंड्स भी हैं बट स्टिल किड्स आर गोइंग दैट वे काइंड ऑफ यू नो एंड दे से आपको तो पता नहीं बाहर क्या चल रहा है आपको तो पता नहीं बाहर क्या चल रहा है बट जरूरी नहीं है कि बाहर जो चल रहा है वो सही है एंड यू हैव टू फॉलो So I am very proud of my kids, you know, that both my kids, like my one son is running the gym, you know, and they are away from these habits because we are all into sports and things like that. So there is no time. Bachchon ke paas kabhi time hi nahi tha, kind of, you know, in sab cheezon ke baare mein sochne ka. So I think we need to pay a little more attention and definitely education plays a lot more part in this kind of, you know. Fantastic. So that's really amazing to think education really starts at the family, you know. Yes. Family mein hi hum bahut beautiful mahol create kar sakte hain jisme har ek jane ko apni fulfillment mile, apni growth mile aur beautiful peace of mind mile. Yes. Aur isi peace of mind ko share karne aa rahi hain Mahashweta ji. She has a lovely song for us and we can't wait. Can you hear me now? You know something, just now you said, Swati, that hobby is so important for us. That, you know, it's like having a lover in your life, having an inspiration in your life, and that inspiration holds your hand and it helps you, you know, cross over all the problems and all the stress and the anxieties of your life. So it's like the song of Fana, it's a personal favorite of mine. I just felt like singing that song, that hobby should be actually treated like an inspiration and just like a, you know, it's like the love of your life. So it goes like this. Sorry.
Mashruta, there is some noise, I think, background mein. Awaaz aa rahi hai. Just a minute. Fan ya to off karo. Just a minute. So it has been a wonderful, great session, Jaya. It was like, actually, aaj aisa lag raha tha, veranda mein hi baithe hue hain. और बहुत मजा आया. इट वॉज अ वंडरफुल सेशन टूडे. सो थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन एंड वी रियली लव्ड इट. मोस्ट वेलकम. Yeah. Mashruta still wants to, she's now gotten back to singing the song. Yeah. Sure, go ahead. Yeah. Fantastic, Mashruta. That was a lovely end to the program. Yeah, lovely end to the program. And I think creativity part 2 mein Swati and Neena Mohan ke saath humne definitely bahut sari beautiful cheeze discover kari. And ye haathon mein kya jadoo hai, ye haath hame kaise apne dil tak, apne man tak lekar ke ja sakte hain, iska hame beautiful glimpse mila. What superpowers of concentration, of being with ourselves, of peace and calm. In fact, artists, mere khayal se humne ye discover kiya ki sabse zyada artists wo peace and calm and relaxation dhoondte. More than the product, more than anything they can create external, wo peace aur calm dhoond rahe hain. And it is also our freedom ki hum apni creativity ko kaise shape karna chahte hain. Do we want to keep it as a, you know, life pursuit, as a profession, as something which brings peace to us in our daily life. Ye sab hamari apni journey hai aur isme bhi ek creativity hai to decide ki hamari creativity hame kaise leke jani hai aage. How do we want to shape it? And main to zarur ye bolungi sabse zyada sab logon ko jo bhi show dekh rahe hain, let's take pride in being makers. Jis din hamare andar ye garv banega ki hum makers hain, hum banate hain, hum beautiful khana banate hain, hum beautiful songs banate hain, hum beautiful dances banate hain, hum beautiful moments create karte hain, jaise music veranda, the epitome of creativity. Jab hum makers hone mein bahut garv lenge to hum consumers nahi rahenge sirf, because endless consumption mein ek dead life hai. Because jab hum kuch create karte hain to hum truly alive hote hain. So when we are more creative, we are more actively creating, we are as alive can be, and that is how we are closest to God. So on that note, I will leave you all. And Anila ji, thank you so much for bringing us here, for you know, really motivating and creating us, you know, this environment for us to go on. And thank you for this day and this moment. Thank you, Jaya ji. Or yes, हमने ये म्यूजिक वेरांडा को ऐसे ही बनाया हुआ है कि प्यार को प्यार ही रहने दो, रिश्ते का नाम ना दो. सो ओवर टू गौरव जैन टू कंक्लूड दिस शो. थैंक यू सो मच. थैंक यू ऑल. थैंक यू सो मच अनिला जी, एंड कूडोस टू एवरीवन फॉर सच अ फैबुलस, फैंटास्टिक, सुपर ऑसम शो. लॉट, यू नो, आई हैव गॉट लॉट एंड लॉट ऑफ विजडम, एंड आई एम गोना, यू नो, सी दिस ऑल द फुल एपिसोड अगेन एंड अगेन, बिकॉज सो मेनी अमेजिंग insights of the hands. And I was just wondering ke Jaya ji ko jab gussa aata hoga to ye to nahi bolenge talk to my hand. So hands ke upar wo Shahrukh Khan ka bhi wo jo hai, main kabhi chatting mein bhi likha tha ke, you know, he opened his hands. To hands ka bahut sara magic, aur mujhe aisa bhi feel aa rahi hai ki bhai hum log iski jo series hai na, ye bhi just starting hai.
पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, हम लोग दोबारा जया जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अभी तो और भी बहुत सारी हमें नॉलेज चाहिए, विजडम चाहिए, इंस्पिरेशन चाहिए, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं कि जस्ट कुछ वर्ड से, सेंटेंस से कितने हमारे यहाँ पे हमारे फैमिली मेंबर्स इंस्पायर हुए हैं. सो थैंक यू सो मच, हार्टी ग्रेटिट्यूड फ्रॉम द म्यूजिक वरांडा टीम, ऑल यू लवली लेडीज, जया मेहता जी, नीना जी एंड ऑफ कोर्स स्वाति चट्टोपाध्याय जी, एंड कुडोस टू ऑल वंडरफुल लवली. गौरव जी, मैं सॉरी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो भूल ही गए हम लोग. गाना, गेस्ट गाना भी तो गाएंगे यार. अरे हाँ, जया जी, नीना जी एंड स्वाति जी, एब्सोल्युटली. जया जी तो बहुत अच्छा गाती हैं, उनको तो सुना है, पर नीना जी और सही टाइम पे याद आ गया, जरूर गाती होंगी. यस, नहीं गाती मगर मैं क्योंकि इतनी सुंदर वीविंग करती हैं हमारे यहाँ पर नीना जी, तो इसी से रिलेटेड एक लाइन गाऊंगी. लता जी की वॉइस तो बहुत ही अमेजिंग है. Let's see what we can try. मम्मी ने इतना सुनाया ये गाना बचपन में, इतना सुना है कि अब वो घुस गया है. तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं, कलियों सा गजरे में बांधे फिरूं, धूप लगे जहां तुझे छाया बनूं, आजा साजना. तेरे लिए पलकों की झालर बुनूं. इससे ज्यादा नहीं हो सकता. बहुत सुंदर, वेरी ब्यूटीफुल. एंड नीना जी, आपसे भी दो लाइन सुनना चाहेंगे. I just relate couple of songs, you know, जो मुझे लगता है कि लाइफ की फिलॉसफी के साथ जाते हैं. Like one song she did a great job, kind of, you know. And the other I like is तुझसे नाराज नहीं जिंदगी पर हैरान हूँ मैं, which is a tough one to sing, so I will not go for that. And the third one I like is कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. So I think I'll go for one line for that, kind of, you know. So, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. थैंक यू. दैट वाज वंडरफुल. एंड स्वाति, ओवर टू यू. एक्चुअली यू नो, सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट हॉबीज, तो मेरे बेटे की हॉबी अभी म्यूजिक है, तो वो क्लासिकल म्यूजिक सीख रहा है. ही इज ओनली 6 इयर्स ओल्ड. तो आजकल मैं गाने वो ही सुनती हूँ. वो रात को मैं बैठ के अब निटिंग सीख रही हूँ और हम राग गाते हैं. तो एक राग जो मैंने उससे सीखा है, मैं वो थोड़ी सी उसकी दो लाइन्स गाऊंगी, क्योंकि मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इट्स अबाउट वो कृष्ण को ढूंढ रही है. You know, I think art is always about looking for the unknown. You know, we always think ki mujhe sab kuch samajhna hai, janna hai, control karna hai, but actually art and you know creativity is looking for that unknown. Usko hamesha dhoondte hi rehna, dhoondte hi rehna. So I'll sing that Raag Vrindavan Sarangi. So it goes something like this. Ban ban dhoondan jaaun, बन बन ढूंढन जाऊं, कित हूँ छुप गए कृष्ण मुरारी, कित हूँ छुप गए कृष्ण मुरारी, शीश मुकुट और कानन कुंडल, शीश मुकुट और कानन कुंडल, बंसी धर मन रंग फेरत गिर धारी. Wow, that was innovation and creativity. और हमारे गुरु जी हैं, वो बहुत enjoy कर रहे थे आप गा रहे थे. वेरांडा में हमारे गुरु जी हैं, जो कि शास्त्रीय संगीत के गुरु जी हैं. गुरु जी, हाँ, चले
पहले तो आप दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरा आशीर्वाद भी आप दोनों को, आप और मैंने मेहता जी से, जया मेहता जी से कहा था कि दोबारा आप आएंगे और आई हैं, ये बहुत ही हमारी खुशकिस्मत कहते कि आप आए दोबारा, आप ऐसे ही आगे भी आते ही रहेंगे, मुझे पता है मुझे ब्रेंडा आपको छोड़ने वाले नहीं है, और अनिला जी मैडम है, जैन साहब सब, आप लोग आएंगे जरूर, ये बुलाएंगे ही आपको, यदि बहुत बेहतरीन बात है और बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है ये, तो इस तरह के मैसेज जाते रहने चाहिए आज की यंग जनरेशन के लिए, बहुत जरूरी है। तो आपने क्रिएटिविटी की बात की, पहले तो आपको मैं राग भी पूरा करूंगा जो आपने अभी गाया नामनी सारंग, अब इस पर भी आऊंगा 2 मिनट। तो पहले मैं आपको क्रिएटिविटी पे बात की थी आपने, मैं बड़ा सोच रहा था मैं कि इस पे होना चाहिए, देखिए मैं कुछ बात कहना, मैं कुछ भी 2 लाइन में आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ अपने विचार। क्रिएटिविटी जो है ना, जस्ट लाइक इमेजिनेशन, आप जस्ट इमेजिनेशन से क्रिएटिविटी होता है। हम जो क्लास स्कूल में सीखते हैं उनका था कि जैसे हम राग वृंदावनी सारंग आपने गाया, नी सा रे म प नी सा नी प म रे रे नी सा रे म प म रे नी सा, हम बता देते हैं, लेकिन हम एक पकड़ हम आइडेंटिफाई कर देते हैं रागों को कि इसका ये राग भोपाली है, रेग यमन है, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन एक आरोह एक एक लाइन से हम आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, आइडेंटिफाई के लिए कई सारी क्रिएटिविटी उसका जो पैसेज मतलब उसका पैसेज होते हैं स्वरों के, है ना, फ्रेजेज होते हैं उसके, लेकिन ये जोड़ी की क्रिएटिविटी जो है वो अंदर से आता है। और दूसरी बात, क्रिएटिविटी कैसे आएंगे, जब आपकी अच्छी शिक्षा होगी, क्रिएटिविटी ऐसे नहीं आती, गुरु होना बहुत अच्छा जरूरी है, कि गुरु चाहे कहते हैं शिष्य को बना दे, तो गुरु शिष्य परंपरा तो होना ही चाहिए, दूसरी बात, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बहुत बड़ी बात, जय मेहता जी बहुत ही अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग इस फील्ड में बहुत पारंगत हैं, बहुत नाम है आप लोगों को, देश विदेश जाते हैं और बच्चों को सिखाते भी हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर हम क्रिएटिविटी होते सिखाने से भी आता है, क्रिएटिविटी जो है आप जितना सिखाएंगे, लग रहा आप डेली आप सोचे कि नया नया चीज आता रहेगा, किसी को आप टेस्ट करें या डांस या कोई कोई आप मान लीजिए कोई भी आप फ्यूजन करते हैं या क्रिएटिविटी करते हैं, क्रिएटिव मतलब क्या, जो चीज आप करें उसमें नया चीज, एक नया रास्ता निकाला आपने, कुछ नया चीज किया आपने, तो मैं कह रहा हूँ कि क्रिएटिविटी तो आएगी एक तो इमेजिनेशन से, दूसरी बात अच्छे शिक्षा से, अच्छे गुरु से, आप अच्छे गुरु शिष्य परंपरा से ही आएंगे, स्कूल कॉलेजेज में नहीं आएंगे। मैं आपको स्कूल में, मैं तो खैर 16 साल से जॉब कर रहा हूँ, बहुत अच्छे ब्रांड में जॉब कर रहा हूँ, DPS जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहा हूँ, 16 साल से जॉब कर रहा हूँ, और जया मेहता जी मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, आज तक जितने भी कंपटीशन मैंने जीता है, नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, आप मानेंगे नहीं, कहीं भी कविता उठा लेता हूँ मैं, कोई गाना उठा लेता हूँ डायरी में से, कहीं से कुछ उठाया लेके रात को कंपोज करता हूँ, अगले दिन जाके कर लेता हूँ, क्या क्रिएटिविटी कर सकता हूँ, जहाँ क्रिएटिविटी है वहीं आप विन कर सकते हैं, वही चीज आपको मजा आता है काम करने में, जहाँ क्रिएटिविटी है, फिक्स में नहीं है, जो चीज फिक्स है उसको आप कुछ नहीं कर सकते, वो गायकी नायकी है, वो गायकी नहीं कह सकते उसको आप, तो नया चीज लेके आना पड़ता है उसको, तो क्रिएटिविटी, अच्छे गुरु शिष्य परंपरा, और दूसरी में हर स्कूल में हर कॉलेज में एक अच्छे गुणी शिक्षक होना जरूरी है। आजकल क्या हो गया, मॉडर्न जो आजकल वेस्टर्न जब से आ गया है, तब से कहीं ना कहीं ये चीजें सब लुप्त होती जा रही है, क्या आप मेहता जी क्या इसे आप मतलब आप सहमत है या नहीं है, मुझे लग रहा है आजकल जैसे कि वेस्टर्न आई जब से आ गया, हिप हॉप ये क्या बोलते हैं बॉलीवुड ये सब जो भी है एनीवे, लेकिन उसको भी करने के लिए अगर आपको लिए भरतनाट्यम जैसे कि उड़ीसी कई सारे उसमें मोमेंट ऐसे हैं जो बहुत टफ है, उसको जरूरत पड़ता है, वहां भी जरूरत होती है, तो उसके लिए भी अगर आप वो भी अगर आप करना चाहते हैं उसके लिए भी आप क्रिएटिविटी करने के लिए आपको अच्छे मतलब एक क्लासिकल डांस होना बहुत जरूरी है, कई सारे मूवमेंट्स आते हैं उसमें जो आपको करना पड़ता है। मैं चूंकि मैं गाता हूँ और मुझे आप मानेंगे नहीं, मैं महाराज जी का भी डांस नहीं छोड़ता था, ना उड़ीसी छोड़ता था, कोई भी छोड़ता था, मैं देखने के लिए गांधर में पढ़ता था, देखने के लिए सारा चीज जाता था, चाहे मुझे समझ में ना आए मैं देखूंगा जरूर, अब मेरी आदत है बुक्स पढ़ने की, मैं हर चीज के बारे में पढ़ता हूँ, नृत्य उसमें जो है उसमें पढ़ाई मैं पढ़ता हूँ, नृत्य के बारे में भी बुक्स पढ़ता हूँ, मुझे नॉलेज हर चीज की मैं रखता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है एक अच्छे अगर संगीतकार बनना है, अच्छे अगर गुरु बनना है, तो आपको जानकारी हर चीज को होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बिना गायन वादन नृत्य गाने के बिना तो कुछ है ही नहीं, गाना का हर जगह जरूरत है, भरतनाट्यम में गाना गाते हैं, उड़ीसी में भी गाना गाते हैं, उस पर हम नृत्य करते हैं, तो मेरे कहने का मतलब है कि जहाँ क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी होने के लिए भी तो एक तो सिखाने से भी आता है, गुरु शिष्य तो होना ही चाहिए, सिखाना लर्निंग प्रोसेस अगर आपको नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, मैं गुरु जहाँ तो मेरा एक अपना आइडिया है कि सिखाने चाहिए बच्चों को, सिखाने से भी बहुत सारी चीजें रास्ते निकलते हैं, क्योंकि तो आप जो आपके पास है ना वो बंद हो जाएगा, तो नई नई चीजें देना चाहिए। गुरुजी हाँ गुरुजी ये हाँ हम एकदम एग्री करते कि हाँ ये क्रिएटिविटी को नर्चर करना है ये भी बहुत जरूरी है कहीं ना कहीं,
तो बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया है आज, और ये आई थिंक ये अभी टॉक जया जी हमको आगे भी इसको इम्पोर्टेंट है। सॉरी मैंने ज्यादा बोले, मैं मुझे बोलने का टाइम नहीं था इतना, लेकिन मैंने सोचा नहीं टाइम ऐसा गुरु जी आप ऐसी कोई बात नहीं है, तो मुझे लगा कि मुझे मेहता जी से आज या मेहता जी साथ शेयर करना चाहिए मेरी बातें, वो कहाँ तक सहमत है, मैं सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे लगा कि एक अच्छे स्कूल कॉलेज में भी आजकल स्कूल में भी अच्छे मतलब शास्त्र संगीत का भी नृत्य होना, क्लासिकल डांस होना बहुत जरूरी है, हर सब्जेक्ट की भरतनाट्यम भी हो उड़ीसी भी हो हर चीज होना चाहिए, मेरा ये है। और जहाँ तक वृंदावनी सारंग आपने गाया, बहुत ही अच्छा गाया आपने इसमें, और ये बहुत ही बेहतरीन राग है जी दोपहर में गाया जाता है। गुरु जी थोड़ा सा हमको आप यदि गाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा मैंने ये गाना मैंने बंदिश मैं तो जो है इसमें तान बहुत अच्छा कर सकते हैं इसमें, रे मा पनी सा नी प मरे मा पनी प मरे मरे नी सा जाऊ मैं तो पे बलिहारे तू ही मेरो मन हर लीनो जाऊ मैं तो पे बलिहारे गरीब की इच्छा पूरन करना तुम हो गरीब नवा तुम हो गरीब नवा जाऊ मैं तो पे बली हारे निजारे मबानी जारे जानी पानी बमरे मबमरे मरे सनी सा जाऊ मैं तो पे बली हारे। यह है वृंदावनी सारंगी, सो ताने के कई सारे प्रकार हैं इसके अंदर, वो इसमें भी कई सारे इसमें आप तीनों सप्तकों में आप सिराकों में तान की विस्तार कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन राग है ये। थैंक यू थैंक यू गुरु जी, बहुत सुंदर, और इसका कंक्लूजन इतना सुंदर होगा इस प्रोग्राम का, ये नहीं सोचा था गुरु जी के सुंदर शब्दों के साथ और एक डिटर्मिनेशन के साथ कि हम इस क्रिएटिविटी को अपने अंदर और नर्चर करें, अपने हाथों को और इस्तेमाल करें, प्यार करें हाथों से और प्यार की, यस यस दीजिए, और थैंक यू सो मच। और स्कूल्स कॉलेजेस में और ज्यादा इन चीजों को प्रोत्साहन करना चाहिए, और हमें एज मदर्स एज पेरेंट्स हमको बच्चों को एनकरेज करना है। सो थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट, दिस इज अनिला रामपुरिया साइनिंग ऑफ फ्रॉम म्यूजिक वेरांडा, सी यू वेरी सून विद अनदर शो, थैंक यू, गुड नाइट।